मधेपुरा जिले के चर्चित मां ज्वेलर्स डाका कांड में नया मोड़। घटना का मुख्य सरगना का नया नाम सामने आने से पुलिस के पैर के नीचे जमीन खिसक गई है। इस रहस्य का खुलासा तब सामने आया जब घटना में शामिल एक शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में शामिल बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर एसपी संजय कुमार ने सदर थाना में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बताया कि 9 जनवरी को शहर के मां ज्वेलर्स डाका कांड में मधेपुरा पुलिस को एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली कि डाका कांड में शामिल मो सोएब को गिरफ्तार किया है। गुलजारबाग का राकेश और रूपक है मास्टरमाइंड। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सोएब से पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि घटना का मास्टरमाइंड शहर के गुलजारबाग का रहने वाला राकेश और रूपक है। एसपी ने बताया कि राकेश दिल्ली में रहता है। पता चला है कि वह दिल्ली में कई घटना को अंजाम दे चुका है। दिल्ली में आपराधिक घटना को अंजाम देकर दिल्ली पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार मो सोएब ने बताया कि वह सहरसा में ही रिक्शा चलाता था। इसी दौरान लगातार ग्राहक बनकर रिक्शा पर बैठने वाले राकेश से संपर्क हुआ था। घटना के 3 दिन पहले उसने बताया कि एक गोदाम में 30 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने के बदले उसे 10 लाख दे गए और 15,000 एडवांस भी दिया और दोनों बाइक से घटना स्थल पहुंचकर जगह को देख लिए। एसपी ने बताया कि घटना के फुटेज में जो बदमाश शामिल था वह सोएब था, जिसे सहरसा पुलिस की मदद से सहरसा के नरियार से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब हरे रंग के स्वेटर के बारे में पूछा तो बताया कि गिरफ्तारी के डर से मेरी पत्नी ने स्वेटर में आग लगाकर नष्ट कर दिया। एसपी ने बताया कि सोएब की गिरफ्तारी के लिए कमांडो एक माह से प्रयासरत थे, आखिरकार शनिवार की रात सफलता मिली है। एसपी श्री कुमार ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि राकेश जिस मोबाइल से बदमाश से बात करता था, सोएब से पता चला कि जब उस मोबाइल नंबर का पता किया तो पता चला कि वह सिंहेश्वर के एक युवक है। पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया तो पता चला कि युवक राकेश का रिश्तेदार है और उसका सिम बहुत पहले गुम हो गया था। पुलिस ने सच्चाई का पता लगाया तो पता चला कि युवक की पत्नी ने वह सिम अपने पिता राकेश को दे दिया था और उसी सिम से राकेश बदमाश से बात करता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि घटना के बाद पुलिस की लगातार छापामारी के डर से सारा जेवरात लेकर राकेश और रूपक नेपाल भाग गया है और फिलहाल नेपाल में छुपा है। भागते समय राकेश ने पत्नी को मोबाइल से फोन कर बताया था कि तुम लोग जल्दी घर में ताला मार कर निकल जाओ, पुलिस आएगी। फिलहाल राकेश का पूरा परिवार फरार है, जिसकी पुष्टि मोबाइल के कॉल डिटेल से हुई है। उन्होंने बताया कि गत दिन घटना में शामिल अमरदीप और लॉज मालिक भवेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बताया कि घटना के लाइन अमरदीप ने पुलिस के पूछताछ में राकेश और रूपक का नाम छुपा लिया और दूसरे बदमाश का नाम घटना से जोड़कर पुलिस को भ्रमित कर दिया। पुलिस रूपक की तलाश की तो वह घटना के दिन से ही फरार है। एसपी श्री कुमार ने बताया कि मां ज्वेलर्स डाका कांड में 10 से अधिक बदमाश के शामिल होने का खुलासा हुआ है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि घटना के समय अमरजीत सहित 3 बदमाश घटनास्थल के आसपास सड़क पर रेकी कर रहे थे। गहरा रहा है दुकानदार पर भी पुलिस का शक। एसपी ने यह भी बताया कि पीड़ित दुकानदार राजकुमार सोनी ने घटना के बाद बार बार नोटिस देने बाद भी आज तक घटना में बदमाश कितने का और कौन कौन जेवरात ले गया की जानकारी नहीं दी है। मालूम हो कि घटना के बाद कयास लगाया जा रहा था कि बदमाश 1 से 2 करोड़ के जेवरात ले गए हैं, लेकिन पुलिस को दिए गए आवेदन में 15 से 16 लाख के जेवरात ले जाने की बात कही गई। लेकिन पुलिस के द्वारा बार बार सूचना देने के बाद भी पीड़ित द्वारा माल का डिटेल नहीं देने से का शक गहराने लगा है। गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह, अमर कुमार, धीरेंद्र कुमार, कमांडो हेड विपिन, उदय, विकास, चुनमुन सिंह आदि शामिल थे। पत्रकार सम्मेलन में एसपी के अलावे थानाध्यक्ष और कमांडो दस्ता उपस्थित थे। मधेपुरा से अमीर आजाद की रिपोर्ट। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update.